हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे पांच ऐसे पॉजिनियस फूड जिसको अगर आप खाते हैं तो वो आपके हेल्थ को भी इफेक्ट करेगा, इवन आपको डेथ की तरफ भी लेके जा सकता है। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, पांच ऐसे फूड जो आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला ग्रीन पोटैटो, हरे आलू। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हरा आलू जो होता है वो पॉजिनियस होता है। कई लोग इसको खाना में पका देते हैं, पर उसको नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि आलू का जो हरा पोर्शन है उसमें पॉइजन्स होता है, वो हमारे हेल्थ के लिए बैड होता है। आलू का जो हरा पोर्शन है उसमें क्लोरोफिल नाम का कंपाउंड बहुत ज़्यादा रहता है। क्लोरोफिल के एक्सेसिव होने की वजह से उसमें सोलोनेस नाम का कंपाउंड ज़्यादा प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो हरा पोर्शन है उसमें सोलोनोस की मात्रा बढ़ने की वजह से वो हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो हमको उस हरे पोर्शन ऑफ द आलू को नहीं खाना चाहिए, उसको इवन फेंक दीजिए, या तो अगर आप कुक करते हैं तो उस हरे पोर्शन को कट करके कुक करिए, क्योंकि अगर सोलोनोस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है किसी फूड में, अगर हम उसको खाते हैं तो हमको हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग और नर्वसनेस, कन्फ्यूज़न, इवन डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट है नटमेग, मतलब जायफल। जायफल में मायरिसिस्टिन नाम के जो कंपाउंड होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये एक प्रकार का एक्टिव कंपाउंड है जो आपके जायफल में पाया जाता है, जो आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। अगर आपने जायफल का मात्रा ज़्यादा खा लिया है, इवन आप सब्जी में या फिर पुलाव बना के खा रहे हैं, या तो जूस बना के पी रहे हैं, या तो उसका सूप करके पी रहे हैं, अगर आपने ज़्यादा खा लिया, उसके कुछ कंपाउंड होते हैं, अगर उसकी ज़्यादा मात्रा में आपके बॉडी में चली गई तो वो आपको ये बहुत सारे सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं, इवन डेथ भी कॉज कर सकते हैं। जैसे पाल्पिटेशन हो गया, डिजीनेस हो गया, वॉमिटिंग हो गया, चक्कर आना हो गया, नर्वस सिस्टम में कन्फ्यूज़न क्रिएट करना हो गया, आप अलर्ट नहीं रहेंगे, ये सारी चीज़ आपके अनकॉन्सियसनेस, ये सारी चीज़ आपका प्रोड्यूस होना दिखना शुरू हो जाता है। तो जायफल की मात्रा ज़्यादा खाने से भी हमारे बॉडी में पॉजिनियस इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है बिटर आमंड। आप लोग बाजार में जब आप जाते हैं तो बाजार में कड़वे बादाम मिलते हैं, एक मीठे बादाम भी होते हैं, कड़वे बादाम होते हैं, अगर आप उसको खाते हैं तो वो आपको पॉजिनियस इफेक्ट करता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन साइनाइड नाम की मात्रा, कंपाउंड की मात्रा ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अगर आप 6 से 10 मात्रा में भी आप बिटर आमंड खा लेते हैं तो आपका पॉजिनियस इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा शरीर में, और इवन आपको वो डेथ भी कॉज कर सकता है, उसमें इतना ज़्यादा हाइड्रोजन साइनाइड की मात्रा होती है जो डेथ करने के लिए कैपेबल है। नेक्स्ट है अंडर कुक्ड रेड किडनी बीन्स, मतलब राजमा। अगर हमने राजमा को अच्छे तरीके से नहीं पकाया तो वो भी हमारे लिए, आधे पके हुए राजमा भी हमारे लिए पॉजिनियस इफेक्ट कॉज कर सकता है। आधे पके राजमा में लैक्टिन की मात्रा ज़्यादा होती है, लैक्टिन कंपाउंड है जो आपके पॉजिनियस इफेक्ट कॉज करने के लिए कैपेबल होता है, क्योंकि आधे कुक किए हुए राजमा का कंजम्पशन कर लिया तो आपको नौजिया, वॉमिटिंग, बहुत सारा ब्रेन कन्फ्यूज़न, ब्रेन्स में अनकॉन्सियसनेस, ये सारे एबिलिटी इंक्रीज करेगा, न्यूरोटॉक्सिसिटी करेगा, ज्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, जिसके वजह से आपके सोचने की क्षमता, देखने की क्षमता, समझने की क्षमता कंफ्यूज हो जाएगी और वो आपके हेल्थ को इफेक्ट करेगा। इसलिए कभी भी राजमा पका के खाना चाहिए, उसको ज्यादा अच्छे से पका के खाएंगे तो उसमें लैक्टिन की मात्रा रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है ब्राउन राइस। ब्राउन राइस में आर्सेनिक की मात्रा सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। आर्सेनिक एक प्रकार का पेस्टिसाइड्स होता है, जब जो फार्मर्स होते हैं जब खेती करते हैं तो वो पेस्टिसाइड्स पूरे खेतों में डालते हैं, तो जो राइस होता है, राइस में इतनी एबिलिटी होती है कि वो पेस्टिसाइड, आर्सेनिक नाम का पेस्टिसाइड को कंज्यूम कर लेता है और अपने अंदर सोख लेता है, जिसकी वजह से उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आर्सेनिक का कंपाउंड पाया जाता है। ब्राउन राइस जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा आर्सेनिक पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू वाइट राइस, क्योंकि व्हाइट राइस जो होता है वो पॉलिशिंग किया जाता है, उसको पॉलिशिंग करने के बाद में पैक करके मार्केट में अवेलेबल होता है, लेकिन ब्राउन राइस को पॉलिशिंग नहीं किया जाता है, जिसके वजह से उसमें आर्सेनिक की मात्रा प्रेजेंट होती है। इसीलिए ब्राउन राइस भी हमारे लिए टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है बॉडी में और हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, इवन हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करके वो हमारे ऑर्गन को डेथ भी क्रिएट कर सकता है। तो आज हमने देखा कुछ पांच ऐसे फूड जो हमारे लिए डेंजर होता है खाने के लिए, अगर हम उसको खाते हैं, सही तरीके से नहीं खाते हैं, जैसा है वैसा खाते हैं तो हमारे बॉडी में वो ऑर्गन डैमेज कर सकता है, इवन हमको डेथ भी क्रिएट कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।